वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर फिट एंड फाइन एट होम। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 5 ऑफ हनीकॉम। द चैप्टर नेम इज क्वालिटी। बिफोर स्टार्टिंग टू रीड दिस चैप्टर वी डू सम वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। लेसन 5 हनीकॉम क्वालिटी। वर्ड मीनिंग स्किल, निपुण, सेटल्ड, बसा हुआ, एक्सट्रीम यूथ, लड़कपन, क्वाइट, शांत, डिस्टिंक्शन, अंतर, फैशनेबल पार्ट, आधुनिक भाग, शाय, शर्मीला, आवफुल, अत्यधिक, टेरेबली, बहुत अधिक, इसेंस, सार, रेस्टफुली, धैर्य के साथ, गैटर्ड, भारी, टिप टैप, आवाज़, रिटायरिंग, वापस जाते हुए, वेंस, जहाँ से, बाइस, टुकड़ा, कन्वेनेंटली, आराम से, ब्रदर, भाई, जेंट, भेजो, लार्ज फर्म, बड़ी दुकान, पेनिट्रेटिंग, भेदती हुई, कंटेम्प्ट, ग्रीना, हार्डशिप, मुश्किलें, सरकमस्टांस, परिस्थितियाँ, इल ओमंड, बदशगुन वाले, ब्रेडी, काफ़ी, वैन, पीला और कमज़ोर, अब्रोड, विदेश, स्प्लेंडिडली, सुंदरता से, फ्लावरी, अतिशयोक्ति, टू द वेरी लास्ट, मृत्यु तक, लेट हिज फायर गो आउट, कमज़ोर होता चला गया, राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक। लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस चैप्टर। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या हम किसी मोजी को कलाकार कह सकते हैं? यस, हाँ। इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट। यदि उसके जो ट्रेड है, व्यापार है, उसके प्रति उसकी जो स्किल हो और उसे उसका उस पर गर्व हो, इट मीन्स वो अपने व्यापार में यदि निपुण या फिर गर्वित है, एज एनी अदर आर्टिस्ट, जैसे कि दूसरे कलाकार होते हैं, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और अपने कार्य के प्रति उसे सम्मान भी है, तो उसे हम आर्टिस्ट कह सकते हैं। मिस्टर कैसलर अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। मिस्टर कैसलर जो एक जर्मन मोची थे, लंदन में बस गए। इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट, वो एक परफेक्ट यानी कि निपुण कलाकार हैं। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। इस स्टोरी में हम देखेंगे और पढ़ेंगे हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट, कि वो अपनी कला के प्रति अपने जीवन को कैसे समर्पित कर देता है। क्वालिटी, गुणवत्ता। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। मैं उसे अपने लड़कपन के दिनों से जानता था। बिकॉज, क्योंकि, ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वह मेरे पिता के जूते बनाता था। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, और वह अपनी दुकान पर अपने बड़े भाई के साथ रहता था। विच वॉज इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो लंदन के आधुनिक हिस्से में एक छोटी सी गली में थी। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, और जो ये दुकान है उसमें एक शांत अंतर था। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट, इसके ऊपर कोई भी साइन या फिर चिन्ह नहीं था, अदर देन इसके बजाय द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। उस दुकान पर केवल क्या लिखा हुआ था? गैसलर ब्रदर्स, गैसलर भाई। एंड इन द विंडो, और खिड़की पर, अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और उसकी खिड़की पर कुछ जोड़ी जूते रखे थे। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर,
और वो उसे तभी बनाते थे जब उन्हें ऑर्डर दिया जाता था बनाने का। एंड वट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और वो कभी भी इन्हें बनाने के कार्य में असफल नहीं होते थे। टू मेक बूट्स, जूतों को बनाना, सच बूट्स एज ही मेड, जैसे कि जिस तरह वो जूते बनाते थे, सीम्ड टू मी देन, तब मुझे लगता था, एंड स्टिल सीम्स टू मी, और अब भी मुझे लगता है, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। उन जूतों का बनाना रहस्यमयी था और अद्भुत भी। आई रिमेम्बर वेल, मुझे अच्छे से याद है माई शायरी मार्क, जब मैंने शर्माते हुए कहा था, वन डे, एक दिन, व्हाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जब मैंने अपने जो पैर हैं उनको खिसकाते हुए आगे किया, इजंट इट अवफुली हार्ड टू डू, क्या यह कार्य अत्यधिक कठिन नहीं है मिस्टर गैसलर, एंड हीज आंसर, और उसने उत्तर दिया, गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, और उसने अपनी दाढ़ी की जो रेडनेस है, लाली है, उस पर स्माइल लाते हुए मुझे उत्तर दिया, इट इज एन अर्डर्ट, यह एक कला है, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, मेरा उनकी दुकान पर जाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए जूते बहुत ज़्यादा चलते थे, हैविंग समथिंग और कुछ ना होते हुए, बियॉन्ड द टेम्परेरी, कुछ अस्थायीता से परे, सम सेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इन टू दैम, इनमें कुछ जूतों के सार को सील दिया जाता, वन वेंट इन, उनमें से एक अंदर गया, नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, ऐसा अधिकांश दुकानों में नहीं था, बट रेस्टफुली, लेकिन धैर्य के साथ, एज वन एंटर्स ए चर्च, जैसे कि कोई चर्च में अंदर जाता है, एंड सीटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और एक सिंगल लकड़ी की चेयर पर बैठता है, वेटेड और वेट करता है, अ गटर्ड साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, और एक भारी आवाज़ आती है, एंड द टिप टैप की ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, यानी कि जो कम चौड़ी लकड़ी की स्टेयर्स थी वो स्लीपर्स उसको बीट करते हुए, यानी कि उनसे टकरा कर टिप टैप की आवाज़ आ रही थी, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और उनमें से एक भाई उसके सामने बिना कोट पहने हुए खड़ा था, अ लिटिल बेंट, वह झुका, इन लेदर एप्रन, और उसने लेदर का एक एप्रन पहना हुआ था, विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, और उसने अपनी जो स्लीव्स हैं, बाजू हैं, उनको टर्न करके, यानी कि मोड़ पीछे की तरफ मोड़ा मोड़कर मोड़ा हुआ था, ब्लिंकिंग पलकों को झपकाते हुए, एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, जैसे कि वो जूते के सपनों से जागा हो, एंड आई वुड से, तब मैंने कहा, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या तुम मेरे लिए एक रशियन लेदर जूते बनाओगे, विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहते हुए, ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम, और बिना कुछ कहे वह वापस चला गया, वेंस ही केम, जहाँ से वह आया था, और इन टू द अदर पोर्सन ऑफ द शॉप, और दुकान के दूसरे भाग में, आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मैं उसी लकड़ी की चेयर पर बैठा हुआ था, इनहेलिंग द एसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और वहाँ किसकी खुशबू आ रही थी, उसके जूतों की सांस लेते हुए उनके जूतों की खुशबू आ रही थी, सून जल्दी ही वुड कम बैक, वह वापस आया, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और उसके हाथ में एक गोल्ड ब्राउन भूरे सुनहरे रंग की लेदर का एक टुकड़ा था, विद आईज फिक्स्ड ऑन इट, और इस पर आंखों को जमाते हुए या टिकाते हुए, ही वुड रिमार्क, उसने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल
बाईस, यह कितना सुंदर टुकड़ा है। वेन आई टू हैड एडमायर्ड, और मैंने भी इसकी प्रशंसा की। ही वुड स्पीक अगेन, उसने दोबारा कहा। वेन डू यू वेंट देम, तुम्हें यह कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और मैंने कहा। ओ एज सुन एज यू कन्वेनियंटली कैन, जितना जल्दी आप आराम से इसे दे सके। एंड ही वुड से, और उसने कहा। टुमारो फोर्ड नाइट, दो सप्ताह के बाद, अगले दो सप्ताह के बाद। और इफ ही वर हीज एल्डर ब्रदर, जैसे कि वो इसका बड़ा भाई हो। आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछूंगा। देन आई वुड मर्मर, तब मैं बुदबुदाया। थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, उसने उत्तर दिया। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, मैं अब भी उसके हैंड में जो लेदर थी उसको देख रहा था। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर, और जैसे मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा। आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप टू द स्टेयर्स, और मैंने उसके स्टेयर्स पर जाते हुए स्लीपर्स की टिप टॉप की आवाज़ को सुना। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, और उसके जूतों के सपने में। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। ऑन विच, जब आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, जब मुझे उसे यह कहने का मौका मिला। मिस्टर गैसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, कि जो लास्ट जोड़ी जूते की जो जोड़ी हैं वो आवाज़ करते। यू नो, क्या आप जानते हो। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, और बिना उत्तर देते हुए वो काफ़ी देर तक मेरी तरफ देखता रहा। एज इफ, जैसे एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ, जैसे कि वह उनको वापस मांग रहा हो। और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, और उसकी जो स्टेटमेंट है उनकी निपुणता के प्रति आशावादी हो। देन सेड, और तब उसने कहा। इट स्टूडेंट हाउ क्रिक्ड, ये शायद ही आवाजें करते होंगे। इट डिड, आई एम अफ्रेड, यह करते हैं। इट शुडंट अव क्रिक्ड, ये आवाज़ नहीं करेंगे। इट डिड, यह करते। आई एम अफ्रेड, मैं डर गया। यू गॉड डैम बैड बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, उसने कहा कि तुमने इसे पहनने से पहले गिला किया होगा। आई डोंट थिंक सो, मुझे याद नहीं है। एट दैट ही लोअर्ड ही आइज, और उसने अपनी आँखों को नीचा कर लिया। एज इफ हंटिंग फॉर मेमरी ऑफ दोज बूट्स, और वह उन जूतों की याद में खो गया। एंड आई फेल्ट सॉरी, मुझे माफ़ करें। आई हैड मेशन दिस ग्रेव थिंग, मैंने ऐसे बुरे जूते बनाए। जेंड देम बैक, उन्हें वापस भेजो। ही सेड आई वुल लैक एट देम, मैं उन्हें भेज दूंगा। सम बर्ड्स, ही कंटिन्यूड स्लोवली, और उसने कहा कुछ जूते, उसने बड़े आराम से कहा, कुछ जूते आर बैड फ्रॉम बर्डेड, जन्म से बुरे। इफ आई कैन डू नथिंग विद डैम, आई टेक देम ऑफ योर बिल, यदि मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। वंस ओनली आई वेंट अब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप इन ए पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, और इस समय वंस एक बार आई वेंट अब्सेंट माइंडली इनटू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, एक बार लेखक बिना सोचे समझे दूसरी उस दुकान पर वो जोड़ी जूते पहन कर गई जो उसने बहुत ज़्यादा एमरजेंसी में किसी बड़ी दुकान से
खरीदे थे। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, और उसने बिना लेदर को दिखाए मेरा ऑर्डर ले लिया। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, और उसने मेरे जो जूते हैं उनकी तरफ देखते हुए, उनकी तरफ भेदती हुई आँखों से देखा। एट लास्ट, और अंत में ही सैड उसने कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, कि वो उसके द्वारा बनाए गए जूते नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, और उस आवाज़ में ना तो कोई गुस्सा था, नोर ऑफ सैरो, और ना ही दुख, नॉट इवन ऑफ कंटेंट, और ना ही किसी तरह की कोई घृणा थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन उस टोन में, उस आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने मेरे खून को जमा दिया। ही पुट हिज हैंड डाउन, उसने अपने हाथ नीचे किया। एंड प्रेस्ड ए फिंगर ऑन द प्लेस, और एक जगह पर अपनी उंगली को प्रेस किया। वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल, जहाँ पर जो लेफ्ट बाएं पैर का जो जूता है वो वहाँ पर कंफर्ट यानी कि आरामदायक नहीं था। इट अर्ट्स यू हेयर, यह तुम्हें यहाँ पर चुभता है। ही सेड, उसने कहा, डज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट्स, कि आजकल जो बड़ी दुकानें हैं उनका अपना कोई सम्मान नहीं है। एंड देन, और तब, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, he spoke long and bitterly. It was the only time I have ever heard him discuss the condition and hardships of his trade. जैसे कि उसने उन्हें कुछ बताने का रास्ता दे दिया था या मौका दे दिया था। He spoke long, वह काफ़ी लंबे समय तक बोला, and bitterly, और दुख के साथ। It was the only time, ये केवल यही वह समय था। आई हैव हियर्ड, जब मैंने सुना उन्हें डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड, उनके व्यवसाय की या उनके धंधे की स्थिति और मुश्किलों के बारे में बातें करते हुए उसने सुना। दे गेट इट ऑल, और वह हमारा काम ले रहे हैं। ही सेट, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, वे केवल एडवर्टाइजमेंट से ही पैसे कमा रहे हैं। नोट बाई वर्क, अपने काम से नहीं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो हमसे हमारे काम को छीन रहे हैं। हु लव आवर बूट्स, और हम अपने जूतों को प्यार करते हैं। इट कम्स टू डिसबैरेंटली, आई हैव नो वर्क, और हालात अब ऐसे हो गए हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर, प्रत्येक साल, इट गेट्स लेस, यह हर साल कम होता जा रहा है। यू विल सी, तुम देखोगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, और मैंने उसके फेस की तरफ देखा। आई सा थिंग्स, और मैंने महसूस किया। आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, इससे पहले मैंने ये सभी बातें पहले नोटिस नहीं की थी। बीटर थिंग्स एंड बीटर स्ट्रगल, बहुत ही जो बीटर थिंग्स एंड बीटर स्ट्रगल, उनकी कड़वी बातें और उनके कड़वे संघर्ष के बारे में इससे पहले मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, और उनके बहुत सारे जो सफ़ेद बाल थे, दे आर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, जो उनकी लाल रंग की बियर्ड्स में लग रहे थे। एज बेस्ट आई कुड, और जितना मैं कर सकता था, जितना आई एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन किया द सर्कमस्टांस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, उन बदशगुन जूतों की स्थिति के बारे में उनको एक्सप्लेन किया कि किन स्थिति में मैंने उनको, उन जोड़ी जूतों को खरीदा। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन, लेकिन उसके फेस, उसके चेहरे ने और उसकी आवाज़ ने मुझे बहुत अंदर तक या बहुत अधिक गहराई तक प्रभावित किया। दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, और अगले ही कुछ क्षणों में, आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, मैंने कई जोड़ी जूतों के
जूतों का ऑर्डर उसे दिया। दे लास्टेड लोंगर देन एवर, और वे काफ़ी लंबे समय तक चलते थे। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 ईयर्स, और मैं अगले लगभग 2 सालों तक उनकी उनके पास या उनकी दुकान पर जाने में समर्थ नहीं था। वेल स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टूडेज सेशन। वी रीड द रिमेनिंग लेसन टुमारो। थैंक यू। एंड रीड टूडेज वर्क इज टू रीड दिस चैप्टर 2 और 3 टाइम्स।